So students, we were discussing the hydrocarbon, and in the hydrocarbon, the last video we have discussed the alkanes CnH2n+2, the formation of alkanes. So today we are going to start the properties of alkane, and first of all, physical properties. So in the physical property, we have two type of property. First one is solubility. Solubility of a molecule, or we can say organic molecule in this case. So solubility of an organic molecule is depend upon its polarity. Kitna polar wo hai. If it is polar, it will be dissolved in polar solvent. If it is non-polar, it will be dissolved in non-polar solvent. So hydrocarbons are non-polar in nature. ठीक है, ये होते हैं non-polar. और जो non-polar होते हैं, they will be dissolved in non-polar solvent. ठीक है, so solubility in water नहीं है. ठीक है, second है melting and boiling point. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलिबिलिटी से भी यहां पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काम है, तो इसको चेक कर लेते हैं. इफ आई सी C2H6 एंड C3H8, इट इज इथेन and it is propane. So propane will have high molecular mass and bad melting or boiling point. Simply iska mass jyada hoga, uska melting boiling point bhi jyada hoga. First rule tha. Second rule, melting point or boiling point are directly proportional, inversely proportional to the branching. ब्रांचिंग बोल सकते हैं इसको, और सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये है. इसका रीजन क्या है देखिएगा. इफ आई से ब्यूटेन, मैंने कहा ब्यूटेन, ठीक है, और एक मैंने कहा 2-methyl propane. ठीक है, अगर मैं यही यहां पर इसके अकॉर्डिंग देखूं मॉलिक्यूलर मास के, तो ब्यूटेन C4H10 और 2-methyl propane CH3 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 और CH3. ये तो यहां भी फॉर्मूला कितना बन रहा है, इसको एन ब्यूटेन लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3. तो यहां भी फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4H10 ही बन रहा है, और यहां भी C4H10 ही. तो मॉलिक्यूलर मास वाला फंडा जो है फेल हो चुका है. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो अब सेम है. अब या तो आप ये बोलेंगे कि दोनों का जो वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसका रीजन है कि जिसके पास ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, और जिसके पास नहीं होगी उसका होगा ज्यादा. तो एन ब्यूटेन विल हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन 2-methyl propane. ठीक है, ये रीजन है. इसका रीजन क्या है ये देख लेते हैं. एक बात समझिएगा कि एक ये सपोज इस शेप का ब्यूटेन है, दूसरी शेप का ब्यूटेन ये है. हमने आपको पढ़ाया था अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो वहां पढ़ाया था वंडर वाल फोर्स. तो इन दोनों के बिटवीन वंडर वाल फोर्स लग रहा है. ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है वंडर वाल फोर्स, सरफेस एरिया पर. किसके ऊपर? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया दोनों का सही है, आपस में मैच कर रहा है, तब भी कर रहा है. अगर मैं यहां पर ये एन ब्यूटेन में ले लिया, अब यहां इस तरीके का 2-methyl propane आ गया है, तो ये जो वंडर वाल फोर्स है इसका एक्टिंग एरिया जहां पर ये लग रहा है वो एरिया कम हो गया है, यानी कि सरफेस एरिया रिड्यूस्ड. यहां मैं लिख देता हूं
सरफेस एरिया रिड्यूस्ड कम हो चुका है, और सरफेस एरिया कम हो चुका है तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स यानी के वंडरवाल फोर्स कम लगेगा, और जब वंडरवाल फोर्स कम लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल, देन दे विल इवेपोरेट इजिली, या फिर उसको बोल सकते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, जल्दी बॉइल हो जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें और कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि फर्स्ट फोर मेंबर गैस है, 5 to 10 लिक्विड है, और अबाउट टेन आपके सॉलिड होते हैं, यानी कि ब्यूटेन तक आप गैस मान लो, पेंटेन टू डेकेन आपका लिक्विड हो जाएगा, उसके अबाउट सॉलिड होंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में इस बार जो है आपको बहुत कम करा दिया गया है। ठीक है, एक तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें आपका वैसे तो हैलोजिनेशन होता था थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो इस साल नहीं है। एक आपका पायरोलिसिस हटा दिया गया है, फिर आपका एक कंबशन भी हटा दिया गया है, लेकिन कंबशन की इक्वेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कंबशन की इक्वेशन लिख लीजिए आप, कंबशन का इक्वेशन याद होना चाहिए अपने। ठीक है, यह आपका अल्केन 3N+1/2 इतने O2 होने चाहिए आपके पास, फिर आपका NCO2 बनेगा और N+1H2O बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना, इसमें कहीं भी फॉर्मूला फिट हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका ये वैसे कंबशन है, कंबशन, लेकिन इसको ऑक्सीडेशन भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट जो आता है आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये एक अलग चीज है, इसको जरा समझिए आप, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो है, आप समझिए, कंट्रोल्ड जो ऑक्सीडेशन है उसमें ऑक्सीडेशन को कंट्रोल किया गया है, ऐसा लग रहा है कि इतने परसेंट ऑक्सीजन नहीं, हमने प्रोडक्ट को कंट्रोल किया है। यहाँ पर देखिए CH4 का ऑक्सीडेशन आप कॉपर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कराइए, CH4 का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड MO मोलिब्डेनम 2 ऑक्सीजन 3 ट्राइऑक्साइड कराएंगे, यहां मिलेगा आपको भाई एल्डिहाइड और यहां मिलेगा आपको अल्कोहल। ये है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, हमने कंट्रोल किसको किया, प्रोडक्ट को किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। ठीक है, ये मैं लाइन आपको बता रहा हूं समझाने के लिए, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट डिसाइड करेगा भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसीलिए हमने वही कैटलिस्ट ले लिया, अगर हमको अल्कोहल बनाना था तो कैटलिस्ट में डिसाइड किया कॉपर में अल्कोहल बनेगा, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ने क्या किया
एल्डिहाइड बना रहा है, ठीक है। इस तरीके की इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इस तरीके की रिएक्शंस को, ठीक है। और अगर आप इसका कराना चाह रहे हैं CH3 का, आप इनको बैलेंस खुद कर लेना रिएक्शंस को, तो इसमें मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज एसिटेट होता है, ठीक है। ये इसका एसिटिक एसिड बना देगा CH3COOH, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये इसका देख लेना, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब है आपका कंबशन हुआ, मैं कंबशन और ऑक्सीडेशन एक ही बात होती है, ठीक है। कंबशन आपके सिलेबस में कह रहे की इस बात नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी आसान था, ये क्वेश्चन याद रखना बस, ठीक है। चलिए थर्ड है आपका आइसोमराइजेशन, कैसे अब ये कैसे कराएंगे आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में इफ आई से हेक्सेन लेते हैं, हेक्सेन का फॉर्मूला लिख लेते पूरा, आपको तभी समझ आ पाएगा। ये मैंने लिखा हेक्सेन, कौन सी एन हेक्सेन, ठीक है, कौन सी हेक्सेन लिखी, एन हेक्सेन, ठीक है। चलिए तो यहां पर एनहाइड्रस AlCl3, क्या एनहाइड्रस AlCl3 और HCl का वर्णन, ठीक है, लेने के बाद यहां ये पेंटेन में बदलेगा, और अगर इसका पेंटेन वाला आइसोमर बनाना है तो एक दो तीन चार, ठीक है, एक तो बना आपका 2-methyl pentane, ठीक है, चाहे तो आप इसको इधर से बना लो 2-methyl, चाहे इधर से बना लो 2-methyl, ठीक है। एक बनेगा आपका साथ में 3-methyl pentane, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन भी हम इसका करा सकते हैं, आप एक दूसरे आइसोमर भी हम इनको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन में, ठीक है, करेंगे इसको। चलिए थर्ड हो गया, फोर्थ करते हैं, इसके बाद आज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करना है। ये रिएक्शंस आपको मतलब इनके लॉजिक समझिए, ये तभी मतलब रटनी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी रटनी नहीं है। हाँ, इतना होगा कि आपको रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे, जो रिएजेंट एरो के ऊपर लिखे जाते हैं कि आइसोमराइजेशन का रिएजेंट कौन सा है, वो आपको याद जरूर करना पड़ेगा। तो फोर्थ है आपका एरोमेटाइजेशन, चल ठीक है, यहां भी एन हेक्सेन होता है, ठीक है, एन हेक्सेन का रिएक्शन V2O5 के साथ आप करा दीजिए, किसके साथ, V2O5, ठीक है। दूसरा आप Cr2O3 भी ले सकते हैं, तीसरा आप मोलिब्डेनम का ऑक्साइड भी ले सकते हैं MO2O3, ठीक है। ये क्या करेगा, एन हेक्सेन कैसे बनता था, एनहेक्सेन बनता, अगर आप बनाना ही चाह रहे हैं तो बना कर, ये देखिए ये है, और ये एक चेन है स्ट्रेट, बस इसको ऐसे शेप दे दी है हमने कि ये जैसा बेंजीन का होता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहां कनेक्शन नहीं है, तो यहां हमने इसको ये वाले जब दिए दिए जाए तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, और यहां 773 केल्विन है और 10-20 ATM प्रेशर, ठीक है। बेंजीन ये वाला बन जाए ये वाला, इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको रेजोनेंस हमने समझा दिया है और आपकी समझ आ गया है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और इसलिए आप ये भी समझ जाएंगे, ठीक है। ये है नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्टील,
रिएक्शन विद स्टीम। अब जो रिएक्शन विद स्टीम है वो देख लीजिए, कार्बन वाले रिएक्शन भी और वैसे तो है इसमें, क्योंकि CO प्लस H2 बनता है, कोल गैस बोलते हैं जब जब कार्बन से बनाते हैं, लेकिन CO प्लस H2 है फिलहाल में, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। ठीक है, तो ये तो थे आपके केमिकल रिएक्शन। अब एक नया टॉपिक इसके अंदर है, आप केमिकल रिएक्शन से अलग उसको लिखना, ठीक है, कन्फर्मेशंस एक टॉपिक है, उसको आज हम करेंगे। अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं अभी। नया टॉपिक है कन्फर्मेशन के नाम से, ठीक है, अभी आपको एक चीज सिखानी है, ये नई चीज है, ये आप जल्दी सीखेंगे, एक तो नया है, इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है। देखिए एक वर्ड होता है कन्फर्मेशन, ओ लगेगा तो दोनों जगह, आई नहीं लगेगा, आई लगा तो कन्फर्म तय हो गया, उसका मतलब ये होता है ये कन्फर्म, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, ठीक है, ये कन्फर्म है, ठीक है, एक कन्फर्मेशन होता है कन्फर्मेशन, ये है तय, ये होता है कन्फिग्रेशन, एक कन्फिग्रेशन भी है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन किस कॉन्फ़िगरेशन का है, तो केमिस्ट्री में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी है प्लस माइनस, डी एल्फोन, डी एल्फोन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है, इसका मतलब अलग है। अब क्या है अलग, कैसे अलग, अभी बता एक मिनट, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है इथेन, और ये हमें कंफर्मेशन पढ़ो तो बहुत सारे सब बहुत सब कर सकते हैं, ठीक है, ब्यूटेन का भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा दिया था, ब्यूटेन भी होता है, लेकिन इथेन का है केवल, इथेन का फॉर्मूला लिखें CH3 और CH3, ठीक है, CH3 CH3। अब यहां मैं इसको एक सही तरीके से बनाना चाहता हूं, तो ये आपको मैं बना के दिखाता हूं पहले सिंपल वे में। ये जो CH3 है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये जो बॉन्ड है सिंगल वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के थ्रू, इस बॉन्ड के दोनों ओर जो कार्बन है वो घूमेगा, कैसे घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट कैसे करेगा, उसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए इसमें अब मैं आपको बताता हूं न्यूमैन प्रोजेक्शन, अब जरा इसको ध्यान से समझना, कन्फर्मेशन में ये, इसके बिना कन्फर्मेशन समझना, ठीक है, पहले सो होर्स करते हैं, सो होर्स, ठीक है, सो होर्स प्रोजेक्शन होता है, सो होर्स H-O, ठीक है, ठीक है, सा होर्स प्रोजेक्शन देखिए, ये मिडल वाला बॉन्ड, ये कार्बन, कार्बन शो नहीं करेंगे इसमें, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फिर यहां भी एज इट इज कुछ विजुअलाइज हुआ ना, हुआ ना विजुअलाइज। अब देखिए यहां क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं एक पार्ट के लिए, अच्छा पेन ओके, हाँ ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी जो फिंगर, ये तो बोन है, ये मेन बोन है, और ये जो मेरी फिंगर है
ये दो हाइड्रोजन हैं और ये दो हाइड्रोजन कुछ ऐसे अटैच हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल किस में है, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे है, इसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन मेरा थंब है, ठीक है, तीसरा ना मैं बना नहीं पाऊंगा लेकिन पहला और दूसरा मैं बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया, चलिए पहले इसको ही देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है ये जो हाइड्रोजन है ये वाला जो क्या है सुपर इम्पोज, ये ऐसे घूमेगा एक दूसरे की साइड ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ये नोड ये ठीक है, समझ आ रहा है, ये दो हाइड्रोजन थे आमने सामने, ये ऐसे घूम गए एक दूसरे के एंटी रोटेशन कर गए, एक दूसरे के एंटी रोटेशन कर गए, तो क्या हुआ उससे मूव हो गया। अब यहां ये जो एंगल बन रहा है पहले हाइड्रोजन ये वाला कार्बन नंबर फर्स्ट, ब्लैक वाला व्हाइट वाला कार्बन नंबर सेकंड, जो पीछे वाला ये कार्बन फ्रंट है आपका, ये रियर, ये फ्रंट कैमरा या पिछले वाला कैमरा, रियर कैमरा बोलते उसको, ये फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन रियर कार्बन का हाइड्रोजन ये दोनों एक साथ हैं और इन दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, डाईहेड्रल एंगल अब मैंने घुमा दिया तो चेंज हो गया, अब फिर से 0 आया, फिर से मैंने घुमा दिया चेंज हो गया, ये आप बात समझ। तो यहां पर ये जो है कार्बन ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, लिख देता हूं, ठीक है, ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर है, ठीक है, फ्रंट कार्बन है और ये रियर है, ठीक है, और थीटा जो मैं बोल रहा हूं थीटा यहां मैंने 0 डिग्री लिया है, जिसको बोलते हैं आप डाईहेड्रल एंगल, ठीक है, डाईहेड्रल एंगल। फिर से मैं एक और इसका प्रोजेक्शन बनाता हूं, ठीक है, ये फ्रंट है और ये रियर है, ठीक है, यहां हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये वाला हाइड्रोजन है, तो यहां में जो डाईहेड्रल एंगल इसके इस वाला ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ ठीक, तो थीटा में यहां पे 60 मान के चल रहा हूं, ठीक है, ये वाला 0 ये पोजीशन है, इसको 60 में रोटेट करना ना, ये मैंने थोड़ा सा करके दिखा दिया आपको, तो ये क्या है, ये थीटा 60 है, ठीक है, ये फ्रंट और ये रियर इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो क्या हो गया इस तरीके से। अब यहां क्या होगा कंफर्मेशन के लिए देख लीजिए, आपको थोड़ी सी बात मुझे बतानी है फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट थीटा 0 होगा तो वो इक्लिप्स्ड सोलर इक्लिप्स देखते हो ना, इक्लिप्स का मतलब ढक लेता है, तो 0 डिग्री होगा तो ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक रहा है, ठीक है, तो 0 होगा तो इक्लिप्स्ड फॉर्म बोला जाएगा, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। दूसरा अगर थीटा 60 डिग्री, ये इथेरी की बात चल रही है अभी, तो इसको बोला जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है कंप्लीटली इक्लिप्स यानी कि ढकी हुई होती है, और ढकी हुई होगी तो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन मतलब रिपेल होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने है तो ये हाईली एनर्जेटिक, जबकि स्टैगर्ड फॉर्म लेस एनर्जेटिक एंड मोर स्टेबल, ऐसा इसके साथ होता है, ठीक है, जितनी भी फॉर्म बनेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर्स
obtained by changing theta dihedral angle are called conformers, form नहीं बोला जाता, उसे conformers बोला जाएगा, या रोटेट करते हैं तो रोटामर बोल सकते हैं उसको, रोटामर्स ऐसा होता है, ठीक है, इसको रोटामर आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो इक्लिप्स फॉर्म में क्या लगता है भाई, इस हाइड्रोजन के सामने ये वाला हाइड्रोजन है ना, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां पर रिपल्सन इन इक्लिप्स फॉर्म, जो इक्लिप्स फॉर्म होती है उसमें जो रिपल्सन होता है इज कॉल्ड टॉर्सिनल स्ट्रेन, इसको बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये था भाई आपका इथेन का कन्फर्मेशन और सोहोर्स प्रोजेक्शन। अभी एक नया प्रोजेक्शन है, मुझे वो अच्छा लगता है इससे ज्यादा, और ज्यादातर यूज भी वही वही होगा, ठीक है, अभी बता रहे, ठीक है, चलिए कर लिया ना नोट इसको, बहुत बढ़िया, बस वो रिप्रेजेंट करना है और फटाफट से हो जाएगा। देखते हैं जरा, ये था हमारा सोर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, विजुअलाइज भी अच्छा होता है। कैसे कि दो कार्बन है, पहला कार्बन ये रहा और भैया दूसरा कार्बन इसके पीछे जो दिखाई दे रहा, सिंपल सी बात, ये कार्बन का तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन, ठीक है, पिछले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो भी उसके सेंटर से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन उसका कोण यहां से ना दिखा के हम यहां से दिखाएंगे क्योंकि वो तो छिपा हुआ है, थोड़े छोटे दिखा देते हैं कोण, ठीक है, उस अपने वालों से जो बाहर वाले हैं इनसे थोड़े छोटे दिखा देते हैं, तो ये आ गया बस। और ये कौन सा है ये भाई, देखो यहां पता लग रहा है ये 60 डिग्री, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है, स्टेगर्ड फॉर्म बन गई है मेरे से, पहले मुझे वैसे तो इक्लिप्स बनानी चाहिए थी, अब इक्लिप्स भी बना देंगे, ले लीजिए इक्लिप्स बनाएंगे और भी आसान है, ठीक है। अब इक्लिप्स फॉर्म, एक्चुअल इक्लिप्स में क्या होता है, डायरेक्टर जीरो होता है और ढक के रखेगा, एक्चुअल में तो दिखाई हमें देंगे नहीं, लेकिन लिखने के लिए इसको डॉटेड लाइन से यहां एच छोटा छोटा सा लिखते हैं, एच और एच, और यहां पे ये थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, यहां आप लिख दो, ठीक है, इनको आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो, इन वालों डॉटेड वैसे भी बनानी चाहिए क्योंकि डॉटेड कोई बॉन्ड होता नहीं है, इसलिए मैं कभी बनाता नहीं, एक बुक में दिया था तो उसने लिख दिया, ठीक है। तो ये जीरो डिग्री है, अगर ये जीरो डिग्री है तो ये कैसी फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, 5 मिनट लग जाओ आराम कर, ठीक है, जीरो डिग्री हो गया इक्लिप्स, ठीक है, तो ये आ गया, और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में सब कुछ क्लियर हो गया, फ्रंट कार्बन हम दिखाया, करियर हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि छिपा होगा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी डायग्राम और बात खत्म, ठीक है, एनर्जी डायग्राम, ठीक है, यहां आपकी आएगी एनर्जी, यहां आपका आएगा डीएचए डाइहेड्रल एंगल थीटा कितना डिग्री है, ठीक है, चलिए जीरो डिग्री पर बनता है इक्लिप्स और उसकी एनर्जी होती है हाई जीरो, 60 डिग्री पर स्टेगर्ड,
ठीक है, 120 डिग्री पर फिर से इक्लिप्स्ड, ठीक है, 180 पे स्टैगर्ड, ठीक है, और 360, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि हमें याद रहे कि कौन से एंगल पे क्या बनता है। वैसे हम लगा सकते हैं, जीरो में 120 जोड़ते जाओगे, ठीक है, प्लस 120 करेंगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, सेम कन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक है, और प्लस 60 करेंगे तो इंटरचेंज मिलेगा, इंटरचेंज क्या मिलेगा, इंटरचेंज क्या कैसे मिलेगा, देखो प्लस 620 प्लस 120 करोगे प्लस 60 करोगे, 120 यहां से लेके यहां बैठता है, ठीक है, सॉरी हाँ यहां से लेके यहां बैठता है, तो टोटल रोटेट हो जाएगा, तो फायदा होगा, जो स्टैगर्ड रहेगा। लेकिन अगर मैं इस वाले को 60 घुमा दूं, ये घुमा दिया, इसको 60 घुमाऊंगे तो ये तो आपस में ये इक्विलिब्रियम में भी रहेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, अगर थीटा आप 60 घुमाते जाओ, अगर आप थीटा को 60 घुमाते जाओ, इसका एनर्जी डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। 0 डिग्री पे ये हाईली एनर्जेटिक था, 60 पे कम आया, 20 पे फिर से हाईली एनर्जेटिक गया, सेम एनर्जी रहेगी, ठीक है, और 80 पे फिर से, फिर 240 पे, फिर 300 पे, फिर 360 पे, ठीक है, ये था। तो ये आपका स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है, ठीक है, ये एनर्जी डायग्राम बनाना है। प्लस यहां एक छोटी सी चीज बना देते हैं, स्टैगर्ड ये बन गया, ठीक है, इक्लिप्स ये बन गया, तो ये आपका एनर्जी डायग्राम है, और इसी के साथ कंफर्मेशन खत्म, और आई थिंक एल्केन खत्म हो चुका है, हाँ एल्केन खत्म हो चुका है, कल एल्केन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।